साउथ टुडे के साथ मैं हूं फिज़ा मरियम। नाज़रीन, आज हम सदर्न पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में मौजूद हैं, जहां पर पोस्टर प्रेजेंटेशन का इनेकाद किया गया है और जहां पर स्टूडेंट्स ने नेचुरल हर्ब्स के बारे में और उनके फ़वाद के बारे में अपने प्रोजेक्ट्स को पेश किया है और उन्होंने प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले किया है। यहाँ पर ज्यूरी का क्या कहना है, क्या रिव्यूज़ हैं स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स और पोस्टर्स के बारे में, और स्टूडेंट्स का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं। It is a wonderful activity by the student of department of pharmacy और उनके teacher, deans और तमाम administration ने बहुत ही keen interest से, इससे बच्चों की creativity पे बहुत ज़्यादा effect होगा और उन्हें थोड़ा सा ना knowledge को drain करना, उसे organize करना, चीज़ों को presentable बनाने में बहुत helpful होगी। और मैं तो देख के हैरान हुआ कि बच्चों ने इस level पर जो है ना 3, 4, 5, 6, 7 brand को कंपैरिजन किया हुआ है और उसमें एक किसी एंड रिजल्ट तक पहुंचे हुए। नेचर प्रोडक्ट्स में हर सोर्स की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। दे कैन बी फ्रॉम एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, फंजाई, बैक्टीरिया, मिनरल सोर्स, इन सब की स्टडी ये फार्माकोग्नोसी की डोमेन में आते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर हम प्लांट्स के ऊपर फोकस करते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी गिवन रिसोर्सेज, तो मोस्टली हम प्लांट्स का स्टडी करते हैं। हमारा थीम ये था कि जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको नेचर प्रोडक्ट्स के हवाले से अवेयरनेस दीजिए, ताकि जब वो मार्केट में जाएं वो अपने फैमिलीज को बता सकें कि जो हमने किया है वो ये है और ये हमारी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट्स है। तो इट्स वेरी गुड एंड इट्स इंटरेस्टिंग फॉर मी दैट स्टूडेंट्स ऑफ ISP हैज़ वर्कड वेरी वेल। देयर डेमोंस्ट्रेशन वाज एक्सीलेंट, देयर वर्क वाज एक्सीलेंट एंड आई होप दे विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर लाइक दैट। हमारी जो क्रूड रख थी वो जिंजर के बारे में, जिंजर से हमने ये लर्न किया है कि इसके जो यूज़ क्या हैं हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में, ठीक है। अगर हम इस दवाई को अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर हम लेते हैं तो हमें ड्रग इंट्रैक्शंस क्या आते हैं, हमारे उसके नुकसान क्या हैं हमारे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी जो ड्रग जिंजर है वो हमारी कॉमनली यूज़ होती है हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। इसके जो हमने इस ये भी सीखा है कि इसके मार्केटेड प्रोडक्ट्स क्या हैं। हमारा आज का जो प्रेजेंटिंग पोस्टर था वो था हमारा टर्मेरिक का, जिसे हम गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं। ट्रेडिशनली ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता आया, अब तक अब भी आगे यूज़ हो रहा है और मेडिसिन में मोस्टली यूज़ होता है। जैसे फार्मास्यूटिकल हम लोग अपने फार्मडी करें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ब्लैक क्यूमिन हमारी ड्रग थी, तो इसके बारे में ना जैसे कि हदीस शरीफ में है कि ये हर मर्ज की दवा है सिवाय मौत के, तो इससे हमने थ्रू आउट द जर्नी जब हमने ना इसको किया है ना कि स्टडी किया है, तो इसके बहुत से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का हमें पता चला। प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास टॉपिक था वो हम लोगों ने ड्रग हनी चूज़ किया, और बेसिकली इसका ये है कि एपिस मेलिफेरा इसका साइंटिफिक नेम है, फैमिली इसकी एपिडे है। मुख्तलिफ टेस्ट हमने परफॉर्म किए हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ की प्योरिटी के लिए, 60 टोटल हम लोगों ने कंपनीज़ ले ली जिसमें से एक प्योर थी और बाकी मुख्तलिफ लोकल कंपनीज़ थी। उनमें से सबसे बेहतर जो हमारे पास रिजल्ट आया वो करछी का आया। इससे एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है हमारा, इसके साथ साथ हमें लर्निंग ये हुई है कि हम जो जब फर्दर स्टडीज़ के लिए जाएँगे आगे PhD लेवल, उसमें हमें पता चलेगा कि रिसर्च कैसे की जाती है। यहाँ से हमें एक अच्छा इनिशिएटिव मिला है।